अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास केमिस्ट्री का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 जो है वो शुरू किया हुआ है। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस की इकसाम। आपकी बुक में टेबल बना हुआ है जिसमें सॉल्यूशन की 9 इकसाम जो हैं टाइप्स वो दी हुई हैं। तो जिसमें गैस का, गैस में यानी अगर आपका जो सॉल्यूट है वो गैस हो और सॉल्वेंट जो है वो भी गैस हो। सॉल्यूट क्या होता है? जिसकी सॉल्यूशन में कम मिकदार होती है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो सॉल्यूशन में ज़्यादा मिकदार में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। अगर सॉल्यूट बेटा गैस है और सॉल्वेंट जो है वो भी गैस है, तो इसकी एग्जांपल एयर, जो हवा है ये इसकी एग्जांपल। इसके अलावा जो है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिक्सचर जिसको हम बैलून्स में भी भरते हैं। इसके अलावा आप और एग्जांपल दे सकते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन गैसों का मिक्सचर, यानी गैस का, गैस में सॉल्यूशन जो है वो पहली टाइप जो है वो ये वाली है। नंबर 2 पे अगर सॉल्यूट गैस ही है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, तो इसकी बेटा एग्जाम्पल जो है वो क्या हो सकती है? ऑक्सीजन इन वाटर, पानी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन हल जिसमें मछलियां सांस लेती हैं। इसके अलावा जो है वो सोडा वाटर की जो बोतल होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, डाइऑक्साइड इन यानी CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वो पानी में हल हो, तो CO2 जो है वो सॉल्यूट है, वो गैस है, और जो वाटर है वो लिक्विड है। तो ये इसकी एग्जांपल हो जाएगी। तीसरे नंबर बेटा है, अगर आपका सॉल्यूट जो है वो गैस है और जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, तो इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन एटम्स इन प्लाटिनम, यानी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो होते हैं, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स वो प्लाटिनम के एटमों के दरमियान जो हैं, प्लाडियम के अंदर जो है वो हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल जो है मॉलिक्यूल वो उसके अंदर अब्जॉर्ब होते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल जो है वो हो सकती है कि गैस इन सॉलिड। उसके अलावा नेक्स्ट जो 4 नंबर पे सॉल्यूशन है वो है लिक्विड इन गैस, यानी आपका जो सॉल्यूट है वो लिक्विड है, माया है, और जो सॉल्वेंट है वो गैस है। तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? फॉग, मिस्ट, धुंध जो होती है। इसमें क्या होता है कि वो हवा जो होती है वो बल्क मिकदार में है, बड़ी मिकदार में है, वो सॉल्वेंट के तौर पर अमल कर देती है, और पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हवा के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं। फॉग जो धुंध है ये इसकी सॉल्यूशन की एग्जाम्पल है। उसके बाद ये कॉमन आम आपने देखा हुआ है कि लिक्विड सॉल्यूट भी लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है, तो ये वाटर के अंदर जो है वो आप अल्कोहल मिक्स कर दें, अल्कोहल और पानी का, दूध और पानी का मिक्सचर तो नहीं कहूँगा, वो बेईमानी है, लेकिन जो है वो पानी जो है वो भी लिक्विड है और अल्कोहल जो है वो भी लिक्विड है, तो इन दोनों का मिक्सचर जो है, इसके अलावा जो है वो बेंजीन और टोलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये एक दूसरे में मिक्स हूँ, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। तो लिक्विड का माया में सॉल्यूशन, उसकी ये एग्जांपल। उसके बाद नंबर 6 पे अगर सॉल्यूट जो है वो लिक्विड हो, माया हो, और जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड हो, ठोस, तो इसकी एग्जांपल बेटा बटर, मक्खन जो है, मक्खन ये इसकी जो है, इसके अलावा चीज़, पनीर जो होता है, ये इसकी एग्जाम्पल है लिक्विड का। सॉलिड के अंदर जो है वो, मक्खन के अंदर जो है वो पानी, गीला गीला नमक होता है, ताज़ा जो सॉरी मक्खन होता है तो उसके अंदर पानी मौजूद होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है मक्खन, उसके अंदर पानी मौजूद होता है। इसके अलावा नंबर 7 पे अगर सॉल्यूट जो है वो ठोस हो, सॉलिड, और जो सॉल्वेंट है वो गैस हो, तो ये बेटा धुआं जो होता है स्मोक, ये इसकी एग्जाम्पल है। स्मोक जो होता है धुआं, इसके अंदर जो है वो कार्बन पार्टिकल जो होते हैं, कार्बन के ज़र्रात वो हवा के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल इन एयर,
जो मिट्टी के ज़रात हैं हवा के अंदर, वो भी इसी की एग्जांपल होगी। वो जो कार्बन के ज़रात हैं वो सॉलिड हैं, या डस्ट पार्टिकल जो हैं वो सॉलिड हैं और वो हवा के अंदर यानी गैस के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा आठवें नंबर पे सॉल्यूट सॉलिड और ठोस, और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड हो। तो इसकी एग्जांपल शुगर इन वाटर, पानी के अंदर जो है वो शुगर चीनी हल कर दें, या साल्ट इन वाटर, नमक जो है वो पानी के अंदर हल करें। शुगर जो है वो सॉलिड है और जो वाटर है वो लिक्विड है, तो ये सोल्यूशन ये वाला होगा। लास्ट नंबर पे सॉलिड का सॉलिड में, ठोस का ठोस में सोल्यूशन। इसकी एग्जांपल है अलाय। अलाय आप लोग जानते हैं, अलाय क्या होते हैं? ये दो मेटल्स होती हैं, एक मेटल के अंदर आप दूसरी मेटल जो है वो उसको मिक्स, जैसे कि ब्रॉस, ब्रॉस जो होता है पित्तल को बोलते हैं। पित्तल जो होता है बेटा ये कॉपर और जिंक दोनों का मिक्सचर होता है, अलाय बनाते हैं। कॉपर के अंदर, तांबे के अंदर जो है वो जिंक मेटल दोनों सॉलिड हैं, दोनों को पिघलाकर आपस में मिक्स कर दें तो वो क्या बन जाता है? अलाय। तो ये भी नौवें सॉल्यूशन की जो है वो ये एग्जांपल है। तो ये आप लोगों ने टेबल इसको अच्छी तरह से याद करना है, एग्जांपल्स पे फोकस करना है पेपर में आप लोगों को, एमसीक्यूज में, और लॉन्ग में भी बाज़ दफ़ा ये टेबल आपको आ सकता है कि सॉल्यूशन की टाइप्स हैं और विद एग्जांपल उसको बयान करें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। चैनल को सब्सक्राइब करें और कला हाफिज़।